अच्छा श्री राम कथा क्यों सुन रहे हैं? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अज्ञान की निवृत्ति हो, ज्ञान कहता है कि राम जी परमात्मा है, अज्ञान कहता है कि राजपुत्र है। जैसे कोई पाषाण प्रतिमा में भगवान को देखे, सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। जैसे चित्र में भगवान दिखे, मूर्ति में भगवान दिखे, वे ज्ञानी हैं। और जिसको भगवान में मूर्ति दिखे, जिसे भगवान में चित्र दिखे, वे ही अज्ञानी हैं। तो राजपुत्र के रूप में श्री राम हैं, पर उनमें भगवान दिखे तो ज्ञान है, और राम जी भगवान हैं, उनमें राजपुत्र दिखे तो अज्ञान है। श्री कालभूषण जी कौए के रूप में हैं, पर कौआ नहीं है। श्री गंगा जी नदी के रूप में हैं, पर गंगा जी नदी ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह श्री राम जी मनुष्य के रूप में हैं, पर मनुष्य नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और अगर यह पूछो कि निराकार साकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखो पानी का कोई आकार नहीं है, नीर निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा जल को आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, गिलास में डालो तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, गोल और लंबा दिखाई देता है पानी। कटोरी में डाल दो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, पर वो आकार थाली का है, कटोरी का है, गिलास का है, पानी का नहीं है, निराकार है। अच्छा अब आप एक काम करो, क्या उस निराकार नीर को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो, है? पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। अच्छा बोलो फ्रिज में अगर रखा रहे पानी तो एक समय के बाद वो बर्फ हो जाएगा कि नहीं? पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रखो तो एक समय बाद वह बर्फ हो जाता है। और पानी है निराकार और बर्फ है साकार, तो निराकार पानी को साकार बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाना पड़ा क्या? नहीं मिलाना पड़ा। कटोरी में भरकर फ्रिज में रखना पड़ा तो वह साकार हो गया कि नहीं? इसी तरह वह निराकार ब्रह्म, वह निराकार परमात्मा, उसको आप अपनी भक्ति निष्ठा की, अपनी भक्ति भावना की कसौटी में देखो भाई। जय हो, जय जय श्री राम, जय सीताराम। फिर दोहरा रहा हूं, जैसे निराकार पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख देने से वह साकार बर्फ बन जाता है, इसी तरह उस निराकार परमात्मा को अपनी भक्ति भावना की कटोरी में भर के निष्ठा के फ्रिज में रख दो तो निराकार साकार हो जाएगा। यही है कथा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं तैसे। जैसे जल और बर्फ अलग अलग नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार अलग अलग नहीं है। अच्छा अब फिर मैं आपसे कहूं कि वो निराकार पानी ने जो साकार रूप ग्रहण किया बर्फ के रूप में, तो बर्फ का आकार क्या रहा?
वही जो कटोरी का आकार था। अज्ञेय को विद अंध अभागी काई विषय पूर मन लागी काई से वेद असम्मत पानी जिनके सूर्य लाभ नहीं हानि पातुल भूत विवस मतवारे ते नहीं बोलई वचन विचारे ते नहीं बोलई वचन समारे जिन कृत महा मोह मत पाना तिन कर कहा करिए नहीं खाना जब भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी पी नहीं विप्रधेनु सुर धरनी तब तब धरि हरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के इसी श्लोक का भावानुवाद है। जब जब होए धर्म के हानि, एक सज्जन ने कहा कि वहां तो लिखा है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो हमने कहा अन्यत्र कहा है अतिशय देख धर्म के ग्लानी। इसलिए भाई भगवान धर्म स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमसे अगर पूछो तो भगवान एक ही कारण से आते, केवल एक कारण। ये बात अलग है कि उनके आने से धर्म की स्थापना हो जाती है। यहां चित्रकूट की घटना है। कोल किरात कहते हैं सपन्यों धर्म बुद्धि कस काऊ, हमारे जीवन में तो स्वप्न में भी धर्म का विचार तक नहीं। पर ये जीवन बदल कैसे गया? यह रघुनंदन दरस प्रभाव, राम जी के दर्शन का प्रभाव। भय सब साधु किरात किरातिन राम दरस मिट गई कलुष आई आई रहे जब ते दो भाई। तो यह बात अलग है कि उनके आगमन से ही धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन आने से धर्म की स्थापना हो जाती है, पर आते किसके लिए? तो केवल भगतन हित लागे। केवल शब्द है, भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम कृपा तस नहीं करें जस निस केवल प्रेम। मुझे तो लगता है अपना धाम छोड़कर अयोध्या धाम में आए और चित्रकूट तो कोल भीलों के प्रेम के कारण आए, पंचवटी में गृधराज जी के प्रेम के कारण और आगे दंडकारण्य में शबरी जी के प्रेम के कारण। रावण को मारने के लिए भगवान वन में नहीं गए। दसकंद के मारन को चतुरंगिनी शक्ति मती नृपता होती खासी, ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुजज्ञ विधान होते सुखदासी। मन राखते बंधु भरत पौसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी, पर शबरी बनवासिनी होती न जो
प्रभु राम हुना बनते बनवाते, प्रेम के कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए होता है, इसलिए शंकर जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका परम के प्रत्येक दे जन्म एक दुई कहूं बखानी सावधान सुन सुन द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अति जय ज्ञान द्वारपाल एक कारण तो यह है भगवान नारायण के दो द्वारपाल जय और विजय वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के द्वार पर सेवा में रहते हैं जय और विजय। देखो भैया जय और विजय ये भगवान के द्वार पर ही मिलेंगे, बाकी तो सब जगह पराजय ही है। जय और विजय चाहिए तो भगवान के द्वार पर। पर एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ब्रह्म कुमार जो देखत बालक बहुकालीना अवधूत वृत्ति में रहने वाले परमहंस ये दिगंबर मुनिजन भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर रहे थे, तो जैसे कमल की सुगंधि भ्रमर को खींच लेती है, भगवान के चरण कमलों की सुगंधि ने इन मुनियों के मन रूपी मधुकर को अपनी ओर आकर्षित किया और ये श्री चरणों के दर्शन के लिए आए। जय विजय ने द्वार पर ही रोक लिया कि नहीं जाने देंगे। मुनियों ने कहा भगवान ने हमें बुलाया है, उनसे जाकर पूछ लो, उनके कहने से तो जाने दोगे? नहीं नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, हम न पूछने जाएंगे न तुम्हें अंदर जाने देंगे। आपने देखा भगवान को कोई शिकायत नहीं, बुलाया तो उन्होंने ही, पर ये द्वारपालों को कितनी परेशानी है। ये बड़े आदमियों को उतनी समस्या नहीं होती जितनी इन बाहर वालों को, जो उनके आसपास रहते, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, आ जाओ मिल ले, पर ये बाहर वाले घुसने नहीं देते। अच्छा आप देखो सांप में कितना जहर, पर सांप आराम से चलता है, मौका पड़ता है तो फन फुलाता है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा जहर, और बिच्छू में कितना सा जहर होगा, इतना, पर बिच्छू हमेशा डंका ही उठा के चलता है। अधजल गगरी छलकत जाए। देखो अच्छा सूर्य में गर्मी ज्यादा है, सबको गर्मी सूर्य से ही मिलती है, पर सूर्य भगवान की गर्मी पाकर ये जो बालू है ना, बालू बालू स्वभाव से शीतल है कि नहीं, ठंडी है, लेकिन सूर्य के किरणों का बल पाकर ये बालू इतनी गर्म हो जाती है कि सूर्य भगवान तो चलने भी देते पर बालू तो चलने ही नहीं देते, जैसे गर्मी इसी की हो। कुछ लोग दूसरों की बड़ों बड़ों की गर्मी पाकर इतने गर्म हो जाते हैं कि उतने गर्म तो वो भी नहीं होते जिनकी गर्मी पाकर ये गर्म है। बिल्कुल सही, आप सोचो द्वारपाल भगवान के पास जाने ना दें, महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई परमात्मा ने बुलाया, परमात्मा से मिलने आए, जय मुझे बोले चाहे कुछ नियम तो नियम है, नियम ऐसा नहीं हो सकता, नियम महात्माओं ने कहा कि नियम का हम आदर करते हैं
परमात्मा परमात्मा के बीच में नियम का नहीं प्रेम का नाता होता है। बोले वो कुछ भी हो नियम, तो कहा कि पूछ लो, बहुत अनुनय की पर नहीं माने। तो महापुरुषों ने सोचा कि भाई दंड व्यवस्था अनिवार्य है, क्योंकि जो नहीं दंड करूं खल तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, और अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हो। चारों महात्माओं ने कहा करे रहने दे, बड़े नियम वाले, परमात्मा और महात्मा को जो मिलने में बाधा डाले वो वैकुंठ में रहने लायक भक्त हो ही नहीं सकता। जो महात्मा को परमात्मा को न मिलने दे वो राक्षस, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तीन जन्मों तक वही राक्षस हुए, रावण कुंभकर्ण तो बाद में बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, और इनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। महात्माओं की मर्यादा रखी भगवान ने, लेकिन किसी ने कहा कि रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए आप लंका में जाओगे, उनके दरवाजे जाओगे? भगवान ने कहा कि हाँ, उनके दरवाजे जाते हुए तो हम दिख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए जा रहे हैं वो हमारे ही दरवाजे के आदमी हैं, द्वारपाल यही रहे हैं। तो जो हरि के द्वार से जुड़े रहे, आज श्राप बस ऐसा हो गया तो उनके उद्धार के लिए मैं उनके द्वार पर जाकर उनका उद्धार करूंगा। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसा उदार और कौन हो सकता है? तो इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। और भैया दूसरी बात, वृंदा सती परम सती, उसका पति जालंधर अत्याचार करता समाज पर, राक्षस जैसा व्यवहार करता, शक्ति मिलती थी वृंदा के सतीत्व से। भगवान ने छल कर तारे उत्ता सुब्रत प्रो सुर कार्य की, तो वृंदा ने श्राप दिया और जलंधर रावण हुआ। तहां जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ, यह भी कथा। इस तरह कथाएं सुनाते जा रहे हैं शंकर जी सूत्र रूप में, पर अचानक बोले नारद श्राप नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक से लगी अवतार, बार देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, इसलिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब यहां एक शब्द बड़ा सुंदर है, गिरिजा चकित भई सुन बानी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत नारद नारद विष्णु भगत नारद विष्णु भगत नारद विष्णु भगत आ
नारद जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। अब देखो सदगुरु भक्ति का उदाहरण है यह, सदगुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। ये गिरिजा हैं, यह शब्द क्या दिया, गिरिजा चकित भई सुनवानी। गिरिजा, गिरि कहते हैं पर्वत को, पर्वत से जिसका जन्म हो वो गिरिजा, और पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता तो पर्वत तनिया अपनी जगह से कैसे हिल जाए। श्रद्धा है, और श्रद्धा होनी चाहिए सदगुरु के प्रति। कैसी, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया या शंकर भगवान कह रहे हैं, पर पार्वती जी कहती हैं कि नहीं, गुरुदेव से ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पूरी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा है कि गुरु जी गलत नहीं हो सकते, गुरु जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं। शंकर जी मुस्कुराए, तो मैं जो कह रहा हूं यह क्या सही घटना नहीं है, श्राप तो दिया है नारद जी ने। तो पार्वती जी क्या कहती हैं, महाराज हमारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया यह तो आप बता रहे हैं, पर आप यह नहीं बता रहे हैं का अपराध रमापति कीन्हा। अब शब्द पर ध्यान देना, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मुहे कहो पुराने। अभी अपराध किधर लगाया, नारद जी की तरफ नहीं, भगवान की तरफ, कि हमारे गुरु नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, यह तो आप बता रहे हैं, पर भगवान का अपराध तो बताओ। आप भगवान का पक्ष ले रहे हैं, भगवान ने जरूर कोई अपराध किया होगा, तभी गुरु जी ने श्राप दिया, और इसका अर्थ क्या है। यह निष्ठा ऐसी कि एक बार चाहे भगवान से भूल हो जाए, पर हमारे गुरु जी से भूल नहीं हो सकती, यह गिरिजा की दृढ़ता, यह निष्ठा। लेकिन शंकर जी मुस्कुराए, शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी निष्ठा ठीक है, निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, पर संसार में सब कुछ संभव है। शंकर जी मुस्कुराए, कहने लगे पार्वती जी यह बात समझ में नहीं आती सबको। बोले बिहंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, यही जब रघुपति करही जस सो तस ते ही क्षण होए। भगवान जब जिसको जैसा कर दे वह वैसा ही हो जाता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णन है, छोटे से बालक हैं ध्रुव जी, उनको भगवान का दर्शन हुआ, अब वे भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर पढ़े नहीं, उनको स्तुति के लिए शब्द नहीं है, शब्द नहीं उनके पास, कोई मंत्र याद नहीं है, कोई श्लोक याद नहीं है, पढ़े ही नहीं है, ज्ञानी ही नहीं है, तो स्तुति करें कैसे। भगवान श्री एक ही काम करते हैं भगवान नारायण, कि ध्रुव जी के कोमल कपोल से अपने शंख का संस्पर्श करा दिया, और भगवान नारायण के शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर हुआ, और ध्रुव जी ऐसे बोलने लगे जैसे बहुत योग्य सुयोग्य पंडित ही हो और ज्ञानी भी हो। यहां पांडित्य भी है और ज्ञान भी है, आप पांडित्य देखें। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। श्रीमद् भागवत का श्लोक, योन्तः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे भीतर जो है सब इंद्रियों को प्राण तक को गति देने वाले हैं, जिनको बाहर भगवान का दर्शन हो रहा है और भीतर भगवान की सत्ता का अनुभव हो रहा है, इनसे बड़ा ज्ञानी और कौन है। तो कहां गए थे ये ज्ञान लेने, ज्ञानी मूढ़ न कोय जेही जब रघुपति करें जसो तस ते ही क्षण हो, उसी क्षण। और शंकर जी ने कहा कि
नारद जी ज्ञानी तो हैं, पर ज्ञानी वह है जो गुरुदेव के वचन को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करे। और शंकर जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी जगत गुरु हैं। है? और शंकर जी समझा रहे हैं किन्हें? जो नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, पर संभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को बात समझ में ही नहीं आई, जरा से बालक ध्रुव को ज्ञानी बना दिया भगवान ने, वो समझ गए। और इतने बड़े नारद जी शंकर जी की बात नहीं समझ रहे, क्यों? याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज कौतुक सुनो, ये तमाशा ऐसे ही चलता है, हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा ही मुख्य है, यही जब रघुपति करें जस तो तस ते क्षण हो। इसलिए शिव जी ने कहा कि नारद जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर भगवान सबसे ऊपर है, वे इनके माध्यम से लोगों को कुछ प्रेरणा और शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसलिए ऐसी लीला की। पर पार्वती जी बोली यह है प्रसंग मौनी, यह है प्रसंग मौनी, मन मोह आज भारी प्रसंग 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 सुनाइए। मुनि मन मोह, मुनि के मन में मोह, आचरज भारी, बड़ा आश्चर्य है। तब शंकर जी सुनाते हैं, एक बार की बात है, देवर्षि नारद हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, हिमगिरी गुहा एक अति पावन। अजय यहां एक अद्भुत बात कही, हिमालय पूरा का पूरा पवित्र है, पावन है, वहां रहने वाली, वहां जितनी उपत्यकाएं हैं, गुफाएं हैं, वे सब पावन है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक अति पावन, एक अत्यंत पावन है। कहा यह अत्यंत पावन क्यों है? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी, श्री गंगा जी के किनारे है। अब नारद जी वन में गए, हिमालय को देखा, गंगा जी को देखा, गंगा जी का दर्शन किया, वन पर्वत देखे, तो निरख शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। देखो वन में संतजन भजन करने जाते थे, क्यों? वन देखकर भगवान की याद आती, भगवान की याद। अच्छा आप ऐसे सोचो, आप किसी शहर में जाएं और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई देखें तो किसकी याद आएगी? जिसने इमारत बनाई है, जिसकी है, उस मालिक की याद आएगी। कई बार लोग कहते हैं ये उनकी कोठी है, ये उन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। तो संसार के शहरों में घूमकर देखें तो आप जो मकान आदि कोठी बंगले बने हुए देखेंगे तो उनकी याद आएगी जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने इसे बनवाया है। लेकिन वन में जब पर्वत देखेंगे, वृक्ष देखेंगे, नदियां देखेंगे तो भगवान की याद आएगी, क्योंकि वन पर्वत वृक्ष नदियों को बनाने वाले तो भगवान ही हैं, इसलिए भगवान की याद आएगी। किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया,
जिसने फूलों को महकाया है, जो बालक शुरुआत प्राइमरी स्कूल में पढ़ते उनकी पुस्तक में एक कविता, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। कौन है जो नदियों में बह रहा है, कौन है जो फूलों में मुस्कुरा रहा है, कौन है जो सूरज में चमक रहा है, कौन है जो चंद्रमा में शीतलता दे रहा है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी। तो अच्छा, गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों में अनुराग इसलिए हुआ क्योंकि गंगा जी ऐसी धारा है जिनका जन्म भगवान के चरण से हुआ। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी सुर सरी सरे शंकर जटा समाई राम चरण राम चरण भजमन राम चरण राम राम भगवान के चरणों का स्मरण हुआ, राम चरण सुखदायी। अब लगा कि भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए प्रभु का स्मरण करें, पर अजब भाव तो है रुकने का ठहरने का, पर भाग्य ठहरने दे तब। हम लोगों का जीवन दो के बीच में है, भाग्य और भाव। हम चाहते कुछ और हैं और भाग्य से मिलता कुछ और है। हम चाहते थे वैसा होगा, ऐसे लोग मिलेंगे, भाग्य से कुछ और तरह के मिल गए। तो भाग्य और भाव का द्वंद है कि नहीं? हम जहां नहीं चाहते वहां रहना पड़ता है, जिन्हें नहीं चाहते उनके साथ रहना पड़ता है। तो भाव और भाग्य, भगवान राम के आगे आगे मारीच दौड़ रहा था हिरण बनकर, पर पीछे मुड़ मुड़ कर देखे भागे उधर, तो भगवान ने कहा उधर भाग रहे तो इधर क्या देख रहे हो, या तो जिधर भाग रहे उधर ही देखो या जिधर देख रहे उधर लौट आओ। मारीच ने कहा मजबूरी है क्या, भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है, यही तो है। तब करें क्या? अच्छा मान लो हमारा भाव हो कि चित्रकूट में रहकर भजन करें, और भाग्य न रहने दे तो निराश न हो। यह कथा यही संदेश देती है। नारद जी को भी भाग्य नहीं रुकने दे रहा, भाग्य काय से बना, कर्म का फल। तो कर्म क्या किया? दक्ष के बेटों को समझा दिया, महाराज दक्ष के पुत्र भजन करने वन में जाते ताकि शक्ति संचय करके हम संसार में आकर गृहस्थ जीवन बिताएं और उत्तम से उत्तम संतान समाज को दें। यह एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है। अपने यहां दो ही मार्ग, प्रेय मार्ग श्रेय मार्ग।
और अच्छाई तो किसी न किसी रूप में रहनी चाहिए। विरक्तों के यहां अगर बिंदु परंपरा से शिष्य गुरुदेव की विशेषताओं को समाज को अपने माध्यम से देते रहते हैं, काहे से गुरुदेव की नाद परंपरा से। गुरुजी ने कान में मंत्र सुनाया, गुरुजी ने ज्ञान दिया, ये नाद परंपरा से सदगुरु के यहां शिष्यों का जन्म होता है और धर्मशील आचरणशील धर्मात्मा गृहस्थों के यहां बिंदु परंपरा से संतान का जन्म होता है। दोनों ही ठीक है लेकिन अपना अपना मार्ग है। देखो बड़े शहरों में दो मार्ग होते हैं, एक बीच बाजार से जाता मार्ग, एक बाईपास रोड जाता है। तो संसार एक शहर है, सड़कें दो हैं, एक बाजार के बीच का रोड, एक बाईपास रोड। तो विरक्तों के लिए ये बाईपास रोड है और गृहस्थों के लिए ये बाजार की सड़क है। ये बात अलग है कि आगे जाके दोनों सड़कें एक हो जाती। भगवान ने यही कहा कि विभीषण तुम घर मत छोड़ो, सिंहासन पर रहो, राज्य करो, पर करेउ कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेउ मन माई, पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। इसलिए दोनों ही मार्ग हैं, पर दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। लेकिन दक्ष के पुत्र जाते तपस्या करने, लौट कर आते कि हम गृहस्थ बनेंगे, रास्ते में नारद जी मिल जाते। कहां गए थे? भजन करने। अब कहां जा रहे हो? विवाह करने। काय को झंझट में पड़ते हो, भगवान के भजन जैसा सुख नहीं है, अपना आराम से भजन करो, ये संसार काय को बसाते हो, प्रपंच है, फिर इससे सुलझना मुश्किल है, ऐसे उपदेश देते। अब नारद जी का उपदेश सुनकर वे दक्ष के बेटे घर ही लौट कर नहीं आते, फिर चले जाते वन में और बाबा जी बन जाते। दक्ष को पता लगा कि बेटे जाते हैं लौट कर आ नहीं पाते क्योंकि नारद जी उन्हें समझा देते हैं, तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने कि ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकते, दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते। कहीं कहीं उल्लेख है कि जितनी देर गौ दोहन हो उतनी देर ही नारद जी ठहर सकते हैं, गाय को दोहने में जितना समय लगे। चलो, पर ठहर नहीं सकते, ये श्राप दिया दक्ष ने। और आश्चर्य की बात, गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। आप ऐसा ना सोचें कि हमारे ग्रंथों में ऐसी कथाएं हों कि संतों का श्राप गृहस्थों को लगता हो। ये अद्भुत कथा है, गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। क्यों लग गया? अच्छा, नारद जी कोई गलत काम कर रहे थे। नारद जी तो बाबा जी बना रहे थे और साधु बनना तो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि जिस घर में साधु का जन्म हो जाए उनकी पीढ़ियां तर जाती। लेकिन फिर ये श्राप क्यों लग गया? श्राप इसलिए लग गया कि आप यह सोचो कि नारद जी दक्ष के बेटों को बाबा जी बना देते, साधु बना देते, विरक्त बना देते, तो बाबा जी बनना तो बुरा नहीं है। लेकिन आप ऐसे सोचो, अगर सभी बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? आप ऐसे सोचो कि बाबा जी सब बन जाएं तो बाबा जी ही बनने बंद हो जाएं, क्योंकि गृहस्थ न हो तो महात्मा का जन्म किसके यहां हो? और महात्मा की कौन कहे? मैं तो कहता हूं गृहस्थ न हो तो परमात्मा का अवतार कहां हो? राम जी भी दशरथ कौशल्या जी के यहां आते हैं, श्री कृष्ण भगवान वसुदेव देवकी के यहां आते हैं। इसलिए अपने यहां कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। इसलिए श्राप लग गया पर नारद जी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, श्राप लगने पर भी प्रसन्न, निंदा स्तुति उभय सम। अच्छा, श्राप लगने पर प्रसन्न क्यों हो? आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते। नारद जी ने कहा और अच्छा है, एक जगह ज्यादा देर नहीं रहेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे। अभी दो चार को सिखाते थे, अब 200-400 को सिखाएंगे। पर आज भगवान का भजन करना चाहते हैं
अब श्राप लगा है पीछे। भाग्य अगर पीछे लगा हो तो डरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी राष्ट्रपति है। ऐसा ही भाग्य का अंतिम फैसला क्यों ना हो, पर भाग्य से ऊपर भगवान है। काशी नरेश ने संत श्री तुलसीदास जी महाराज की शरण में जाकर कहा, मार्केश लग गया है, नवग्रह प्रतिकूल हैं। तुलसीदास जी बोले, चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। क्या? भगवान का अनुग्रह है। भगवान अनुग्रह करें तो नवग्रह क्या करें। और इसलिए उन्होंने कहा भी, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, नवग्रहों के नाम लेना, सूरज मंगल सोम मनचंद्र भृगु सुत शुक्र, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक ते दो, बुध और गुरु राहु 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 केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता, सने जर हो सवे दो जान के ना जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर से दो जान की नाथ करे, जान के नाथ भगवान अगर सहायता करें क्या करें। और ये प्रसंग बताता है कि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया, भाग्य बदल गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। नारद जी को क्या लगी? समाधि। समाधि। अच्छा एक बात बताओ, किसकी कृपा से लगी? भगवान की कृपा से। अच्छा नारद जी समाधि में मग्न और इंद्र को डर लगा। स्वर्ग का राजा इतना बड़ा देवताओं का राजा, डर लग रहा है। न सुखम चक्रवर्तिना यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना, इंद्र को भी वो सुख नहीं है, किसी चक्रवर्ती राजा को भी वो सुख नहीं है जो सुख भगवान का भजन करने वाले एकांत में रहने वाले महात्मा को प्राप्त होता है। जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीर। और तुलसीदास जी ने तो बहुत अद्भुत बात कही, सिंह दिखा किसे? कुत्ते को। कुत्ते को शेर दिख गया तो कुत्ता भागा। तो किसी ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है,
प्राणों के डर से अपने को बचाने के लिए भागा होगा। बोले ना, कुत्ते से किसी ने पूछा कि शेर को देखकर क्यों भाग रहे हो, क्या तुम्हें इतना डर है? बोले नहीं, मुझे अपना डर नहीं है। फिर कहा, हमने जो मुख में हड्डी दबा रखी है कहीं शेर ये छीन ना ले। शेर हड्डी छीनेगा कुत्ते के मुख से? और ये मैं कह रहा हूं, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सूख हाड़ ले भाग तट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न ला। का महात्मा नारद जी सिंह की तरह हैं और इंद्र का राज्य तो कुत्ते के मुंह में हड्डी की तरह है। ये संत महिमा, ये भगवान नाम की महिमा, ये भजन करने वालों की महिमा। उनके लिए सुमिरत रामई तजई जन तृण सम विषय विला। पर इंद्र को तो डर है, हालांकि नारद जी ने कोई डराया नहीं, नारद जी उनका पद पाना ही नहीं चाहते, लेकिन वो अपने मन से ही डर रहा है। मन से डरा तो मनोज को बुलाया, मनोज माने काम देव, काम ही बोल कीन सनमाना, नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव ने कहा कि मैं सभी सहायकों को लेकर जाता हूं, एक क्षण नहीं लगेगा समाधि भंग करने में, इसी के तो हम विशेषज्ञ हैं, जाओ। गया विशेषज्ञ बनकर, पर वो विशेषज्ञ नहीं था, विशेष अज्ञ था, विशेष अज्ञ। जिसे इतना भी पता ना हो कि जिसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं उसका हम क्या बिगाड़ेंगे। सकल असवसर कला प्रवीणा, कामदेव अपने सभी कलाकारों के साथ गया, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी, क्यों नहीं असर हुआ नारद जी पर? तुलसीदास जी कहते हैं, तीन की चापी सकई पोता बड़ रखवार समापति जाते, बड़ रखवार बड़ रखवार रखवार भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव ने देखा कि महात्मा तो का तो कुछ नहीं बिगड़ा परमात्मा की कृपा से, पर हम अब बचेंगे नहीं। निज भय डरे मनोभव पापी, तो गए जाए मुनि चरण तब कह सुठी आरती बैन। कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। अब नारद जी की समाधि भंग हुई। कामदेव कब आए? महाराज पहले तो आप मुझे क्षमा करो, मैं अपने सब सहायकों के साथ आया था आपकी समाधि भंग करने के लिए, लेकिन महाराज मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देखे, पर आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चरण पकड़कर ये बात कह दी। अच्छा, अब जरा संगति मिलाना, नारद जी किसका चिंतन कर रहे हैं? भयउ रमापति पद अनुरागा, वे भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे थे और उनके चरण कामदेव ने पकड़ लिए, तो ध्यान किधर चला गया? भगवान के चरणों से ध्यान हटा, अपने चरणों पर गया, चरण पकड़ने वाले पे चला गया। बस यही खतरा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान के चरणों को पकड़े रहे फिर कोई बात नहीं। अच्छा, अब चरण पकड़ लिए, अच्छा सुनने क्या लगे यह भी देखो। नारद जी के गुण गाने लगा कामदेव,
और नारद जी किसके गुण गाते हैं? भगवान के। गावत हरिगुण गान प्रवीणा। अच्छा, भगवान के गुण गाने वाले जब अपने गुण सुनने लगते हैं तब कैसा परिणाम होता है, यही इस कथा से संदेश लेना चाहिए। इसलिए भगवान के गुण गाने वालों को भगवान के गुण ही सुनने चाहिए, अपने गुण नहीं। अच्छा, क्या है हम? हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। यह तो भगवान की कथा की महिमा है, नहीं तो व्यक्ति की क्या महिमा है? एक नाव पर लोहे की छोटी छोटी कीलियां रखी थी, पार जा रही थी। कीली ने कहा, देखा, एक आदमी से कहा तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब रहे हो, हम पार जा रहे हैं, और तुम आदमी हो, हम इतनी सी कील है, लेकिन तुमसे हमारी महिमा देखो, हम लोहे की कील पार जा रहे हैं। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी महिमा नहीं है, जरा नाव से नीचे उतरो तो पता लगे। नाव से नीचे उतरो फिर देखे कितनी देर रहते हो। तो भैया कीली है हम, और राम जी की कथा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, यह तो भगवान की कथा के कारण वक्ता की महिमा है, और कथा के कारण वक्ता पार होता है, वक्ता के कारण कथा नहीं है। इसलिए भगवान के गुण गाने वाले को गुण भी भगवान के सुनने चाहिए, अपने नहीं। भगवान के चरण, अच्छा अब कोई सुनाए तो मना कर दे क्या? यह भी एक समस्या है। तब एक बड़ा सरल उपाय है, क्या करें? कब भोजन आता है ना, भोजन, तो भक्तजन क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा देते। अब वो भोजन नहीं बचा, अब प्रसाद हो गया। तो ऐसे ही जब कोई अपनी प्रशंसा करे, अपने गुण गाए, तो भगवान को भोग लगा दे। भगवान को भोग लगाने का अर्थ, ये जो हमारी प्रशंसा हो रही है प्रभु, यह आपकी ही प्रशंसा है, इसलिए आपको ही अर्पित है। कोई चरण पकड़ ले तो ये सोचो कि हमारे चरण अगर किसी ने पकड़ लिए तो यह भगवान के चरण की ही कृपा है। पर नारद जी के साथ यही कठिनाई हुई, वे कामदेव से बोले, क्या विशेषता देखी तुमने हमने? अरे महाराज कुछ मत पूछो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा प्रभाव नहीं पड़ा आप पर। नारद जी ने कहा कि एक विशेषता तो तुमने देखी कि मुझ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरी विशेषताएं बताएं, हमें और भी विशेषताएं। अच्छा, और क्या विशेषता है? का देखो, तुमने इतना गलत काम किया कि हम समाधि में थे और तुमने समाधि भंग करने की चेष्टा की, हाँ, तो मुझे तुम पर क्रोध तो नहीं आया? हाँ, नहीं आया महाराज। भयउ न नारद मन कछु रोसा, क्रोध नहीं आया? हाँ, नहीं आया। तो मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। अरे महाराज, दो दो विकारों पर विजय, काम को भी जीता, क्रोध को भी। नारद जी बोले, अभी क्या और सुनो मेरी विशेषता, और क्या? जाकर तुम अपने देवराज इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है, तो न मुझ में काम, न मुझ में क्रोध, न मुझ में लोभ। काम क्रोध लोभ मुझे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तीन तीन विशेषताएं अपने में दिखने लगी। यद्यपि काम जब देवराज इंद्र की सभा में गया तो उसने कहा कि नारद जी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो सुन सबके मन अचरज आवा, सबको आश्चर्य हुआ, पर प्रशंसा किसकी हुई? नारद जी की। पर प्रणाम किसे किया गया? मुनि प्रशंस हरि ही सिरुनावा, मुनि की प्रशंसा पर यह कृपा भगवान की है, ऐसा देवराज की सभा में बैठे हुए सब लोगों ने स्वीकार किया। पर नारद जी को लगा तो
मुझ पर काम क्रोध लोभ तीनों का असर नहीं हुआ। अच्छा आप इसको एक उदाहरण से समझें। एक आदमी यह कह रहा था कि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं, कोई शक्ति नहीं, ऐसे ही बैठे थे बस, कोई सहायक नहीं, वह ऐसे ही बैठे थे। लोगों ने हम पर भाले चलाए, तलवारें चलाई, बाण छोड़े, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। फिर ध्यान देना, दोबारा कह रहा हूं। एक आदमी कह रहा है कि मैं ऐसे नियत से बैठा था, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं था और कोई सहयोगी भी नहीं था। लोगों ने मुझ पर बाण चलाए पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भाले छोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हां नहीं पड़ा। अच्छा तो तुम ये बताओ बैठे कहां थे, किस जगह बैठे थे? तो वो आदमी बोला कि हम किले में बैठे थे। कहां बैठे थे? किले में। अच्छा किले के भीतर बैठे थे? हां। फाटक बंद था, दीवारें मजबूत थी, लोग भाले छोड़ते रहे, बाण छोड़ते रहे, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा अब ये बताओ, ये व्यक्ति की महिमा है कि किले की? किले से बाहर होते तो पता लगता। तो नारद जी बच गए काम क्रोध लोभ की चोट से, पर बैठे कहां थे? किले के भीतर। हम सब बचते हैं जब भगवान की कृपा के किले के भीतर बैठते हैं। बचे भगवान के कारण, और भूल गए भगवान को, याद हो गया अभिमान। मेरे जैसा कौन, यह अभिमान। तो किसी ने काम को जीता है मेरे अलावा? हां एक ने जीता है। किसने? शंकर जी ने। चेतवत काम चेतवत काम 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 चेतवत भय उजरी छारा चेतवत चेतवत काम चितवत काम चितवत नारद जी ने यही सोचा कि शंकर जी ने काम को जला तो दिया, लेकिन काम को जीत लिया, क्रोध को तो नहीं जीत सके। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रय लोका भयउ कोप। तो नारद जी को लगा कि शंकर जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीता, भयउ कोप, पर यहां तो भयउ न नारद मन कछु रोसा, काम क्रोध लोभ तीनों को जीत ले। तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें बताएंगे कि आप सफल तो हुए पर हमारी तरह नहीं हुए। अब शंकर भगवान के यहां नारद जी आए तो शंकर जी ने सोचा संत पधारे हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, संत आए तो क्या कथा सुनाओ? नारद जी बोले आजकल हम एक नई कथा कहने लगे। नई कथा? भगवान की कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन है। माद चरित शंकर सुनाए
नारद जी ने सुनाए मार चरित, सुनने बैठे थे राम कथा और सुनने को क्या मिली? काम कथा। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे बस। अब कथा सुनने के बाद श्रोता कुछ न बोले, श्रोता की ओर से भी तो कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, अच्छी ना हो, तो कुछ ही तरह की तो हो। पर शंकर जी कुछ बोले ही नहीं, तो नारद जी ने ही पूछ लिया कि महाराज आप कुछ बोले नहीं, कथा कैसी लगी? कथा कैसी लगी? तो शंकर जी ने कहा कथा कैसी लगी यह तो हम नहीं बताएंगे, पर एक बात जरूर कहेंगे। क्या? कि जैसे यह कथा यहां सुनाई है और कहीं मत सुनाना। अब कथा की ऐसी भर्त्सना हो। नारद जी बोले हमें भगवान के अलावा किसी से कोई मतलब ही नहीं है। शंकर जी बोले हां उन्हीं को मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनायो कबहु, तिमि जनि हरि सुनायो कबहु, तिमि जनि हरि, तिमि जनि हरि सुनायो कबहु, तिमि जनि हरि सुनायो कबहु। भगवान को ये कथा बिल्कुल मत सुनाना काम विजय की। नारद जी बोले वैसे न सुनाए, अगर चर्चा चल जाए तो चले उपसंग दुराए तब हूं, चले उपसंग दुराए तब हूं, चले उपसंग दुराए तब, चले उपसंग दुराए तब हूं, चले उपसंग दुराए तब हूं। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाजी, शंभु वचन तब विरंच के लोक सिधाए, तब विरंच के लोक सिधाए। शंकर जी ने कहा ये कथा भगवान को मत सुनाना, चर्चा भी चले तो भी मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनाए कबहू, चले वो प्रसंग दुराए तबहू। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, गुरु कौन जो हितोपदेश करे, और संबुदीन उपदेश हित। पर नारद जी को अच्छा ही नहीं लगा। हमारे गुरुदेव कहते थे जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भगवान की इच्छा,
नारद जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। वो सोच रहे थे कि अब हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत, भगवान में जो विशेषता है तो हम में सब हो ही गई, हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत। अब तो भगवान हमें बुलाएंगे और वैकुंठ में हमारा, क्षीर सागर में हमारा अभिनंदन करेंगे। ये काम क्रोध लोभ पर हमने विजय पाई, ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया। पर भगवान ने खबर ही नहीं ली। लक्ष्मी माता ने कहा कि आपने बहुत दिन से नारद जी की खबर नहीं ली। भगवान ने कहा कि लेंगे, पर अच्छी तरह लेंगे। नारद जी को एक बीमारी हो गई है अभिमान की, और गुमान गोविंद ही भावत नाही। अब नारद जी को यह लगा कि भगवान को पता नहीं चला कि हमने कितनी बड़ी सफलता पाई, तो चलो एक बार कर तलब दीना, एक बार कर आवत हरि गुण गान करीना, एक बार की बात है। नारद जी अपने कर कमलों में श्रेष्ठ वीणा लिए हुए गावत हरिगुण गान प्रवीणा, देखो भाई नारद जी भगवान के गुणों का गायन करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं? वर वीणा, वीणा बजाते हुए भगवान के गुण गाते हैं। तो भगवान के गुणों के गायन की परंपरा पुरातन है और सनातन है। भगवान के गुण जरूर गाने चाहिए, गान के लिए है। इसीलिए हमारे यहां संस्कृत में भी जो रचनाएं हुई हैं वो भी पद्यबद्ध हैं, अनुष्टुप छंद। गायत्री भी एक छंद है और छंद का एक प्रबंध होता है। अच्छा एक बात और सोचो, नारद जी तो वीणा बजाकर गाते हैं भगवान के गुण। भगवान के गुण गायन की ये संगीत परंपरा पुरातन है, और सबसे पहले राम कथा श्री वाल्मीकि जी ने लिखी, पर गाई किसने? श्री लव और श्री कुश जी ने। श्री वाल्मीकि रामायण बने ये वीणा लेकर आते हैं और भगवान के गुण गाते हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज को तो संगीत के उपयोग का ऐसा स्वभाव है कि आप उनकी विनय पत्रिका देखिए, कोई भी पद्य बिना राग के मिलेगा ही नहीं।
अब बात आ गई इसलिए कह रहा हूं, संगीत के बड़े बड़े मर्मज्ञ गुणी जनों से भी अगर पूछो, रामचरितमानस में वर्णन है मारू राग सुभट सुखदाई। मारू राग, एक राग का नाम ही है मारू, उसी से जुड़कर और राग बन गए जैसे मारू विहाग। आगे वर्णन, सरस राग बाजई सहनाई। गीतावली में वर्णन है सब मिली चाचरी गाई। चाचरी ताल है, मारू राग है। कबों का अंब अवसर पाए मेरी ओ सुध्याय भी कछु करुण कथा चलाए। विनय पत्रिका का यह पद्य है, इसके ऊपर राग केदार लिखा है। ऐसो को उदार जगमाही राग सोरठ लिखा है। तो नारद जी भी गाते बजाते हैं, पर मैं कहता हूं धन्य है वह साज जो भगवान के गुण गायन में बजाया जाए, और धन्य है वो आवाज जिससे भगवान के गुण गाए जाएं। लेकिन एक पक्ष है, अब दूसरे पक्ष की बात सुनो। साज आवाज के कारण भगवान के गुण नहीं है, भगवान के गुणों के कारण साज आवाज है। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।